हेलो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है सबके। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ मेरा फैबुलस मिस्टिक हेयर ऑयल, जो कि एक लीव इन ऑयल है, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ओके, इसको आप नहाने के बाद अपने टॉवल ड्राइड हेयर में, लाइटली वेट हेयर में आप एक पंप लगा लें, और अगर बहुत लंबे बहुत ड्राई बाल हैं तो बेशक दो पंप्स लगा लें, बट ये लाजमी लगाया करें। इससे आपके जितने भी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, इससे आपके बाल प्रोटेक्ट होंगे। अगर आप हीटिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर और आयरन और कर्लर, तो उस हीटिंग से आपके बाल प्रोटेक्ट होंगे, आपके बाल नरिश होंगे, सॉफ्ट एंड सिल्की होंगे, शाइनी होंगे, और स्टाइलिंग में भी आपको आसानी होगी। अब जैसे लुक एट हाउ गॉर्जियस दिस इज बाय द वे, इसमें विटामिन ई है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल है, ठीक है। अगर आप ऑयल गीले बालों में लगाएंगी तो आपके बाल ग्रीसी लगेंगे। ऑलराइट, दिस इज अ स्पेशली फॉर्मुलेटेड लीव इन ऑयल विच इज अ नॉन ग्रीसी फॉर्मूला। और अभी मैं आपको बताऊं, मैं अपने बाल डाई करा के आई हूं, अभी आई हूं डाई करा के, एंड यू कैन सी दैट माई हेयर, इवन दो फ्रेश डाई का कलर आपको नज़र आ रहा है, बट थोड़े से ये ड्राई लग रहे हैं मेरे बाल, ऑब्वियसली बिकॉज मैंने इनको ट्रीट किया है, राइट। आज सो आई एम जस्ट गोना टेक वन पंप, राइट, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इट ऑन माई हेयर लाइक दिस, थोड़ा एंड्स पे, ठीक है। ये मैंने एंड्स पे लगा लिया, और अब आप देखें कि इंस्टेंटली मेरे बाल स्मूथ हो गए, ठीक है। मेरे बाल शाइनी लग रहे हैं, मेरे बाल इस तरह ड्राई नहीं लग रहे हैं, ये देखें कितने ड्राई लग रहे हैं, मेरे बाल हेल्दियर लग रहे हैं, कलर उठ के आ रहा है। और अब मैं इसको मैं कर्ल करूँ, स्ट्रेट करूँ, कुछ भी करूँ, द माई हेयर इज़ गोना लुक स्मूथ एंड शाइनी एंड नरिश्ड एंड प्रोटेक्टेड लाइक दिस। और ये मैंने ड्राई बालों में लगाया है, हालांकि इसको स्लाइटली वेट हेयर में लगाएं तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं। सो दिस इज अ फैबुलस फैबुलस लीव इन ऑयल, यू मस्ट 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 ट्राई इट, इट्स गॉट अ स्पेशल डील ऑन राइट नाउ। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय माई प्रोडक्ट्स, एंड आई लव यू गाइज।